इवनिंग स्टूडेंट्स, आज तुम सब स्टूडेंट्स के बीच मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं। तुम लोगों को एक ऐसा राह दिखाने वाला हूं, एक ऐसे मार्ग पे चलने के लिए उत्साहित करने वाला हूं, जिस रास्ते पे तुमको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ हासिल करोगे, बहुत कुछ सीखोगे और जिसका बहुत लाभ तुमको तुम्हारे करियर में मिलेगा। और ये सब कुछ जो है बिल्कुल निःशुल्क होगा, या जो थोड़ा शुल्क तुम्हारे ऊपर आएगा उससे कई गुना अधिक तुमको उसका लाभ मिल जाएगा। और ये सारा कुछ भारत सरकार का एक जो पोर्टल है, जिसके माध्यम से आप कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी में और कई सारे जो एडवांस कोर्सेज हैं जो आप करना चाहते हैं, जिसमें करियर है, जिसमें जॉब है, जिसमें हाई पैकेज है, वो सारा कुछ आप सीख पाओगे, समझ पाओगे। और किससे सीखोगे वो मैं आपको दिखाता हूं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर या मोबाइल पर, आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हो, आप अपने मोबाइल पर गूगल ऐप गूगल खोलो और गूगल पे आप टाइप करो SW। ये देखो पहले ही आ गया, मैंने थोड़े पहले सर्च किया है SWAYAM स्वयं NPTEL। तो आप स्वयं NPTEL को खोलो, आप NPTEL खोलोगे तो भी खुलेगा, स्वयं खोलोगे तो भी खुलेगा। और फिर वहां पर इसमें आप इसमें जाओ अंदर, ये आपकी ये वेबसाइट खुल जाती है स्वयं की। स्वयं का जो ये पोर्टल है इस पे 2 करोड़ स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, 2,07,00,000 स्टूडेंट इनरोल्ड हैं। और इसमें स्कूल के कोर्सेज से लेकर के कॉलेज लाइफ के, ग्रेजुएशन के, इंजीनियरिंग के, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जा रहे हैं। हम लोग अपने कोर्सेज पे फोकस करते हैं, ऐसे कौन से कोर्स हैं जो हमारे काम के हैं। तो आप गए ऑल कोर्सेज में, यहाँ ऊपर में जो ऑल कोर्सेज है इस पे गए आप और यहाँ पर ये आपका खुल रहा है, ये पूरा का पूरा कोर्स कैटलॉग है। आप कोई भी कोर्स सर्च कर सकते हो, अभी हम सर्च बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पर करते हैं कि हम कोऑर्डिनेटर चूज नहीं करेंगे, कोर्स मोड चूज नहीं करेंगे, कोर्स ड्यूरेशन चूज नहीं करेंगे, एग्जाम डेट चूज नहीं करेंगे, क्रेडिट चूज नहीं करेंगे, हम ये सब कुछ चूज नहीं करेंगे। हम सीधा चूज करेंगे कैटेगरी, कैटेगरी कौन सी चाहिए। कैटेगरी हम पहले एक बार ले रहे हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनको यही कैटेगरी लेनी है। और यहाँ पर एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल, केमिकल, सिविल ये सब नहीं चाहिए, हम सीधा लेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसको लिया हमने। और यहाँ पर एक पूछेगा कि आप ऑनगोइंग कोर्स लेना चाहते हैं कि अपकमिंग कोर्स, तो हम ऑनगोइंग को नहीं देखेंगे क्योंकि उसका इनरोलमेंट बंद हो चुका है, हम देखेंगे इनरोलमेंट ओपन वाला कौन सा जिसमें हम इनरोल कर सकते हैं। अपकमिंग कोर्स, इसमें हम आ गए अपकमिंग में, अब ये अपकमिंग खुल रहा है। ये देखिए एनिमेशन का कोर्स, आप चाहते हो एनिमेशन करना, आप चाहते हो AI सीखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर आप पढ़ भी रहे हो, एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क, अच्छा ये कोर्स कौन करवा रहा है, तो ये कोर्स BHU का IIT करवा रहा है, ये कोर्स IIT मद्रास करवा रहा है, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोर्स जो है IIT दिल्ली पढ़ा रहा है, प्रोफेसर स्मृति रंजन सारंगी ये IIT दिल्ली की प्रोफेसर हैं और ये पढ़ाएंगे, और ये IIT इंदौर और IIT गांधीनगर की तरफ से एडवांस कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स होगा, जो कि आपको ये प्रोफेसर समीर कुलकर्णी पढ़ाएंगे। और ये एडवांस ग्राफ थ्योरी आप पढ़ भी रहे हो अभी अपने कोर्स में BCA में, ये BSCIT में भी ग्राफ थ्योरी पढ़ना है, प्रोफेसर राजीव मिश्रा ये IIT पटना के हैं। इसी तरीके से ये इफेक्टिव कंप्यूटिंग IIT दिल्ली के हैं प्रोफेसर, इसमें जो पढ़ा रहे हैं 12 सप्ताह का कोर्स है, ये ग्राफ थ्योरी का कोर्स 8 सप्ताह का कोर्स है, ये जो एडवांस कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स है ये भी 12 सप्ताह का कोर्स है। और सब में इनरोलमेंट शुरू हो गया है और इनरोलमेंट समाप्त होगा 30 जनवरी को, यानी कि सब में इनरोलमेंट जल्द से जल्द आप ले सकते हो, इनरोलमेंट शुरू हो चुका है। और आप देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स IIT दिल्ली की तरफ से, और डीनो बोर्ड का कोर्स, आर्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग, आप लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़ भी रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग में से कई बच्चे पढ़ चुके हैं हमारे यहाँ, ब्लॉकचेन हमने एक बार पहले कोर्स कराया था, अब आप ब्लॉकचेन पे डिटेल कोर्स करो, 12 सप्ताह का कोर्स है, 12 वीक्स का कोर्स है, IIT खड़गपुर का कोर्स है, सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, तो आप देख रहे हैं कंप्यूटर डिजाइन, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग बाई सौम्या कांति घोष IIT खड़गपुर, IIT पटना,
सब तरफ से आपको आईआईटीज के कोर्सेज जो है वो मिल रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का, कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी। अभी देखो पाइथन का कोर्स नहीं आया, मुझे लगता है उसका भी कोर्स होगा, डेटा माइनिंग, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा माइनिंग, डेटा साइंस, डेटा स्ट्रक्चर, डिजाइन एनालिसिस, डीप लर्निंग। देख रहे हैं आपको अलग अलग आईआईटी से कोर्सेज मिल रहे हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम, एथिकल हैकिंग, फाउंडेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ML, फंडामेंटल एल्गोरिदम, फाउंडेशन ऑफ साइबर, क्रिप्टोग्राफी का कोर्स आईआईटी बैंगलोर की तरफ से, ट्रिपल आईआईटी बैंगलोर की तरफ से, GPU आर्किटेक्चर। अब हम नीचे चलते हैं, देखते हैं कि पाइथन का कोर्स मिलता है कि नहीं मिलता है, हम लोग खोज रहे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स खोजना है, लिनक्स का कोर्स है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन लर्निंग, ठीक है। तो ये कई मैटलैब का कोर्स था, इसी तरीके से आप देख रहे हैं। अभी हम लोग पी में आ गए हैं, हमको लगता है कि अब पाइथन का कोर्स भी देखने को मिलेगा, प्रोग्रामिंग इन मॉडर्न C++, पाइथन फॉर डेटा साइंसेज आ गया ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग इन पाइथन आ गया ये यहाँ पर देखिए आप, तो पाइथन के भी मल्टीपल, प्रोग्रामिंग इन जावा आ गया आपको जावा वालों के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू प्रोग्रामिंग इन सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स एंड पाइथन प्रोग्रामिंग, देख रहे हैं पाइथन के मल्टीपल कोर्सेज आ गए। अगर आपको चेक करना है कितने कोर्सेज हैं पाइथन के या जावा के, हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे जावा टाइप करते हैं और सर्च करते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यूजिंग UML जावा आ गया, प्रोग्रामिंग इन जावा आ गया, जावा के ये दो कोर्स में अभी इनरोलमेंट खुला हुआ है। इसी तरीके से पाइथन के कितने कोर्स में इनरोलमेंट अभी खुला हुआ है चेक कर लेते हैं हम यहाँ पाइथन डाल करके। ये देखिए पाइथन के अभी ये इतने सारे लगभग 6 कोर्स पाइथन के हैं, डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स एंड पाइथन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इन पाइथन, जॉय ऑफ कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन, पाइथन फॉर डेटा साइंसेज और प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूजिंग पाइथन। कोई ये IIT मद्रास का है, IIT रोपड़ का है, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का है और IIT रुड़की का है। तो आप देख रहे हैं कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं और ये सारे के सारे कोर्स जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें सारा कुछ फ्री है कि कुछ चार्ज भी लगता है। तो हम लोग चलिए ये पाइथन फॉर डेटा साइंसेज देखते हैं, IIT मद्रास का कोर्स है, इसके हम अंदर जाते हैं और इस कोर्स में देखते हैं कि इसका चार्ज अगर कुछ है क्या। तो ये कोर्स जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कहीं कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आप इसका एग्जाम देंगे और ये AICTE अप्रूव्ड FDP कोर्स है, इसके सर्टिफिकेट की भी बहुत वैल्यू है, IIT मद्रास का है और 17 फरवरी से 23 जनवरी से कोर्स शुरू होगा और 17 फरवरी तक चलेगा और 26 मार्च को एग्जाम होगा और इसमें इनरोलमेंट भी हो रहा है और ये सेल्फ पेस मोड पर है, यानी कि आप अपने घर जा करके इस कोर्स को कर सकते हो। और इसमें मैं देख रहा हूं कि एग्जाम का चार्ज अगर है तो वो कितना है, एग्जाम इज ऑप्शनल एंड फॉर ए फी ऑफ 1000, यानी कि एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन अब मैं यहां पर तुम लोगों से एक बात कहूंगा कि जब तक तुम एग्जाम नहीं दोगे पढ़ाई में सीरियसनेस नहीं आएगा और IIT मद्रास का सर्टिफिकेट कोर्स, AICTE अप्रूव्ड FDP कोर्स, ये अगर तुमको 1000 का चार्ज देके करना पड़े तो ये 1000 का चार्ज जमा करो और ये गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वयं के पोर्टल पे तुमको चार्ज जमा करना पड़ेगा। चार्ज तुमको सिमेज में किसी को देना नहीं है, वहीं पे चार्ज पे करोगे और जैसे ही चार्ज पे करोगे तुम्हारा सीरियसनेस कई गुना बढ़ जाएगा और तुमको एग्जाम देने का अवसर मिलेगा। एग्जाम भी जो है वो एक बार में नहीं है, मल्टीपल टाइम में इसका एग्जाम लिया जा रहा है और सर्टिफिकेट जो तुमको मिलेगा उस सर्टिफिकेट का तुमको हर जॉब में, हर जगह तुमको उसका वैल्यू मिलेगा। और इन कोर्सेज में मैं देख रहा था कि 1000 से लेकर के 10-10, 12-12 हजार बच्चे ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, बड़ी संख्या में छात्र जो है वो इन कोर्सेज में। और देखिए 10,902 बच्चे ऑलरेडी पूरे इंडिया से इनरोल हो चुके हैं, जबकि अभी इसमें जनवरी मंथ में भी इनरोलमेंट होगा। तो तुम लोग सब इसमें इनरोल करोगे, सिमेज के सारे बच्चे इनरोल करेंगे। और एक बात जान लो, जो तुम लोग बोलते हो ना कि समय नहीं है, तुम्हारे पास समय बहुत है। 24 घंटा में तुम 4 घंटा सोते हो, मैक्सिमम तुम 6 घंटा सोते हो। अगर 6 घंटे का सोने का हिसाब लगाया जाए तो तुम्हारे पास 18 घंटे बचते हैं। 18 घंटे में 2 घंटा तुम्हारा नहाना धोना खाना पीना हो जाएगा, बाकी का तुम 6 घंटा सिमेज में लगा दिए तो 16 घंटा हुआ। 16 घंटा में 6 घंटा सिमेज में लगा दिए, सिमेज में 6 घंटा लगाने के बाद भी तुम्हारे पास 10 घंटा बचता है। आना जाना घूमना फिरना का 1 घंटा तुमको और दे देंगे तो भी तुम्हारे पास 9 घंटा बचते हैं। इस 9 घंटे में से अगर तुम रोज 3 घंटा भी स्वयं पोर्टल पे दो तब तुम्हारी मुकम्मल तैयारी होगी और तुमको देना पड़ेगा।
क्योंकि जितनी पढ़ाई कॉलेज में होती है सिर्फ उतनी ही पढ़ाई से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। जो तुम्हारा कॉम्पिटिशन है ऑल इंडिया लेवल का है और वहां पर बच्चे बहुत भारी तैयारी कर रहे हैं और यहां तुमको IITs के प्रोफेसर से पढ़ने का मौका मिल रहा है और सिमेज में तुमको इन सारे कोर्सेज के ऊपर में चाहे AI ML हो, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग हो, Azure हो, Python हो, Java हो, C हो, कोई भी कोर्स हो, इन सब के ऊपर में तुमको अलग से हम लोग हेल्प करेंगे, क्लासरूम हेल्प करेंगे ताकि इसका एग्जाम तुम निकाल सको, तुमको IIT का सर्टिफिकेट मिल सके। और एक बात और जान लो कि तुमको जो सी का कोर्स तुम्हारा कॉलेज में चल रहा है सिर्फ वही सी का कोर्स यहाँ पे मत करो, करना है करो, इनरोल करो, लेकिन सी का एग्जाम देने से ज्यादा जरूरी होगा कि तुम यहाँ पर ब्लॉकचेन का कोर्स करो, तुम यहाँ पर क्रिप्टो का कोर्स करो, तुम यहाँ पर क्या कहते हैं AI ML का कोर्स करो, क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स करो, तुम यहाँ पर जो भी ऐसे एड ऑन कोर्सेज हैं उनका कोर्स करो ताकि सर्टिफिकेशन IIT का हो जाए। पढ़ाई तुमको सिमेंट में भी होगी इन सब चीजों की और यहां पर भी होगी, सर्टिफिकेशन तो तुम यहां से ले पाओगे, समझ रहे बात को। बाकी सी और जावा और जो बाकी चीजें जो हैं वो सब तो तुमको कॉलेज में भी हो रहा है, यूनिवर्सिटी सिलेबस में भी वो सब चीज है, लेकिन यहां पर तुम उन चीजों का जो तुम्हारे यूनिवर्सिटी सिलेबस में नहीं है उन चीजों को तुम यहां पर ज्यादा फोकस करो। बाकी तुम यहां पर सी में इनरोल हो जाओ लेकिन सी का एग्जाम तुम दो, उसका पैसा दो, चार्ज दो, जरूरी नहीं है। यहां पर इनरोल हो जाओ सी में भी, जावा में भी, लेकिन यहां पर ब्लॉकचेन में इनरोल भी हो और ब्लॉकचेन का एग्जाम भी दो, यहां पर AI ML में इनरोल भी हो और उसका एग्जाम भी दो, यहां का जितना भी वेब तरह का वेब का कोर्स है इनरोल भी हो और एग्जाम भी दो ताकि तुम लोगों का जो एक स्ट्रॉन्ग बेस बने। और इसी तरीके से इसी वीडियो में लगे हाथ में तुम लोग को दिखा दूं जो हम लोग के पास कुछ कोर्सेज यहां पर हैं, वो मैनेजमेंट फील्ड में कौन कौन से कोर्स हैं, मैं आप लोग को मैनेजमेंट के कोर्सेज दिखा देता हूं यहां पर हमारे पास कौन कौन से मिल रहे हैं। एक सेकेंड, यहां हम लोग चूज कर लेंगे मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, यानी कि हमारे BBA, PGDM, BCOM और जो हमारे BBA के छात्र हैं, बैंकिंग का कोर्स है, अकाउंटेंसी का कोर्स है, एनालिटिक्स एंड डिसीजन साइंस यानी डिसीजन मेकिंग का कोर्स है, कॉमर्स का कोर्स है, इकोनॉमिक एंड सोशल साइंस को भी ले सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को ले सकते हैं, फिनांस को ले सकते हैं, HRM को ले सकते हैं। आप देख रहे हैं क्या क्या आपको सुविधा मिल रही है, मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट स्टडीज, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, आपको सारे कोर्सेज यहां पर ये सब मिलते जा रहे हैं, जिसका पब्लिक स्ट्रैटेजी और टैक्सेशन। तो हम इतने कोर्सेज को एक बार लेकर चेक करते हैं क्या क्या चीज हमारे सामने आ रहा है। मैं इसमें से एक काम कर रहा हूं, इसमें से देखिए डिजिटल मार्केटिंग आ गया, अब ये डिजिटल मार्केटिंग जो है ये मैनेजमेंट में आया, लेकिन जो IT के स्टूडेंट है वो भी इनरोल कर सकते हैं और जो BBA के स्टूडेंट है, जो PGDM के स्टूडेंट है, BCOM के स्टूडेंट है, वो भी इनरोल कर सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स फॉर डिसीजन मेकिंग, बिहेवियरियल एंड पर्सनल फाइनेंस, और ये IIT खड़गपुर का कोर्स है। तो आप देख रहे हैं कि जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, जो BBA के स्टूडेंट है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कैसे AI का इस्तेमाल करें, और एडवांस स्ट्रेटजीज फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आप देख रहे हैं कौन कौन से कोर्स मिल रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट फॉर फ्रॉम स्टार्ट टू स्केल, बिजनेस लॉ का कोर्स, बिजनेस प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब ये सब कोर्स करके आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो किसी भी कंपनी में इंटरव्यू में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जितने BBA के स्टूडेंट्स लड़के लड़कियां हैं आप लोग ध्यान दो, ये कोर्सेज आपके रेज्यूमे में एड होने चाहिए। ये IIT के कोर्सेज हैं, ये बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कोर्स, कंज्यूमर बिहेवियर का कोर्स, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स, डिसीजन मेकिंग विद स्प्रेडशीट एक्सेल का कोर्स है ये, डायरेक्ट टैक्स का कोर्स, डायरेक्ट मार्केट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, और ये ड्रुपल का कोर्स, ई कॉमर्स का कोर्स, ई बिजनेस का कोर्स, फिनांस फॉर नॉन फिनांस, इथिक्स फॉर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, और ये देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट का कोर्स है ये, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स, मतलब किस तरह से FIs फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मार्केट वर्क करता है। तो ये सारा जो ये जो तो देख रहे हैं आप लोग, अकाउंट फ्रंट अकाउंटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, फंडामेंटल्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरे BCOM के BBA के स्टूडेंट, लीडरशिप का कोर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का कोर्स, अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, काफी सारे कोर्सेज हैं, और मतलब मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसमें से मिनिमम 3 कोर्स में एग्जाम दो, 3 कोर्स में एग्जाम दो, तुम 6-7-8 कोर्स में इनरोल हो जाओगे अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मिनिमम हर स्टूडेंट 3 कोर्स का एग्जाम दे। और ये सारे के सारे कोर्स अभी जनवरी से लेकर के मार्च तक चलाए जाएंगे, जनवरी से फरवरी में आप लोग को ये कोर्स करने हैं और मार्च में आपको इसका एग्जाम देना है।
आप देख रहे हैं ओबी का कोर्स है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कोर्स है, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का कोर्स है, तुम लोगों का जिन चीजों पे इंटरेस्ट है वो सारे चीजों का कोर्स है, रिटेल एंड चैनल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, सर्विसेज मार्केटिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, सिक्स सिग्मा का कोर्स कर लो तुम लोग, बहुत काम आएगा, सप्लाई चेन एनालिटिक्स का कोर्स बहुत काम आएगा, आप देख रहे हैं टैलेंट एक्विजिशन, एचआर में जॉब करना है तो टैलेंट एक्विजिशन का कोर्स काम आएगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम का कोर्स, ये प्रोडक्शन ऑपरेशन ऑपरेशन मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ टीक्यूएम का कोर्स, तो ये सब जो कोर्सेज हैं, और खास तौर पे मतलब तुम लोग हमसे पूछो ना मेरे से कि सर मेरे को बताइए कौन सा कोर्स करूं, मैं तुमको तुम्हारा तीन कोर्स चुन के बताऊंगा, तुमसे तुम्हारी क्लास में आऊं, तुमसे ये सवाल पूछो, इसको लेकर के अभियान चलाना है सिमेज में, और सिमेज से मुझे एक ऐसा मेरा कम से कम भी 1500 बच्चा इनरोल करे, और कम से कम भी 6000 कोर्सों के लिए इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब एक एक बच्चा जो है वो चार चार पांच पांच कोर्स में इनरोल करे, और मिनिमम तीन कोर्स में एग्जाम दे, तीन कोर्स में वो एग्जाम दे, सर्टिफिकेट ले, भले इन्वॉल्वमेंट 6 कोर्स में करे, 8 कोर्स में करे, 9 कोर्स में करे, लेकिन तीन कोर्स में तो एग्जाम देना है तुम लोगों को, और बोलो तुम लोग ये करोगे कि नहीं करोगे, और इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, तुम्हारा जो समय है सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जब रोज इस पे समय देना पड़ेगा तो तुम्हारा इंस्टाग्राम का रील और यूट्यूब का शॉर्ट वैसे ही कम हो जाएगा, समय इधर लगाओगे समय का यूटिलाइजेशन होगा। आई होप मेरी बात तुम लोग तक पहुंची है और मेरी बात पे तुम लोग अमल करोगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।